तो साथियों, हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी 2023 के जो समान अध्ययन खंड है उसके भारत और इसके पड़ोसी देश खंड के तहत पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलर पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे कि कब स्टार्ट की गई थी और कितनी पंचवर्षीय योजनाएँ आई देश में, और उनका जो लक्ष्य था कितना इसने प्राप्त किया और कहाँ तक सफल रही, उसके बारे में अध्ययन करेंगे इसमें हम। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करें हम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पे। और देखें हम पहले पंचवर्षीय योजना को, तो हम देखेंगे कि जो पहला पंचवर्षीय योजना है जिसका समयावधि सन 1951 से 1956 तक था, और यह जो पहला पंचवर्षीय योजना था हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, जो कि और इसी समय पहली पंचवर्षीय योजना के समय ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना शुरू किया गया। तो ऐसे सवाल पूछता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए, तो प्रथम में, या फिर राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना कब शुरू किया गया, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछ लेता है, तो इसका अवधि क्या था 1951 से 56, या फिर पूछ लेता है कि यह किस मॉडल पर आधारित था। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था यह हैरोड डोमल मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा पहले पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसके अलावा इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया था, और इसने यानी कि पहले पंचवर्षीय योजना ने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था, यानी कि बांध का निर्माण करना और सिंचाई पर ध्यान देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा इस समय अगर उदाहरण की बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध के लिए भारी पैसों का आवंटन किया गया था, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध जो है पहले पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्मित किया गया। और जो पहला पंचवर्षीय योजना है ये हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। सन 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए, यानी कि जो IIT हैं उनकी स्थापना की गई। इसके अलावा ये जो पहली पंचवर्षीय योजना था इसका जो लक्षित वृद्धि दर था 2.1 रखा गया था, जबकि जो प्राप्त विकास दर था वो 3.6% था। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें जो कि सन 1956 से 1961 तक चलता है, जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। इसके अलावा इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य PC महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया था, और इसने यानी कि दूसरे पंचवर्षीय योजना ने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया, और इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया गया ताकि जो घरेलू उद्योग हैं उनको नुकसान ना हो। और दूसरे पंचवर्षीय योजना की जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 4.5% रखी गई थी, और जो वास्तविक विकास दर जो अपेक्षा से थोड़ी सी कम प्राप्त हुई थी 4.27% थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो इस समय लौह अयस्क और इस्पात कारखाने की अगर हम बात करें तो इस समय 3 चालू किए गए थे। पहला भिलाई में किया गया था रूस की मदद से सन 1959 में, और दूसरा राउरकेला में चालू किया गया था जर्मनी की मदद से 1959 में, और तीसरा दुर्गापुर में किया गया था ब्रिटेन की मदद से सन 1962 में, जबकि BHEL भोपाल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना सन 1956 से 1961 यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। और अब बात करें तीसरे पंचवर्षीय योजना की, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1961 से 1966 तक था, और तीसरे पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए तीसरे पंचवर्षीय योजना में। उदाहरण के लिए राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया, और जमीनी अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई सबसे पहले 1966 में, यानी कि तीसरे पंचवर्षीय योजना में ही। और जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था उसका लक्षित जो वृद्धि दर रखा गया था वो 5.6% रखा गया था, जबकि वास्तविक विकास दर जो है केवल 2.4% ही रहा, यानी कि देखा जाए तो तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है सफल नहीं रहा था। और तीसरी योजना यानी कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल था इसका सबसे बड़ा कारण था 2 युद्ध हुए थे इस समय,
चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध, जिसकी वजह से योजना अवकाश लाया गया था तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद, जो कि सन 1966-67, 1967-68 और 1968-69 यानी कि 3 वर्ष के लिए तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश लाया गया था। और इसके बाद चौथे पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें, जो कि सन 1969 से 1974 तक चलता है, तो इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था और इसके माध्यम से जो पिछली विफलताएं थी उनको सुधार करने का प्रयास किया गया। और जो चौथा पंचवर्षीय योजना था, यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये गार्डगिल फार्मूले पर आधारित था, जिसमें स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। इसके अलावा चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। इसके अलावा चौथे पंचवर्षीय योजना के समय में ही सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी शुरू किया गया था, ठीक है। और इस योजना की यानी कि चौथे पंचवर्षीय योजना की जो लक्षित वृद्धि दर रखी गई थी वो 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो था वो 3.6% था, यानी कि ये भी लगभग पूर्णतः सफल नहीं रही थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें, जो सन 1974 से 1978 तक चलता है, तो इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ पर जोर दिया। इसके अलावा सन 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और परिशेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सके। यानी इससे पहले ये राज्य इस पर ध्यान देती थी, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद से ही केंद्रीय जो केंद्र सरकार है वो इस पर प्रवेश की। इसके अलावा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि MNP जिसे कहा जाता है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। इसका उद्देश्य था जो बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको प्रदान करना। और ये जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है इसे DP धर के द्वारा तैयार किया गया था और यह योजना शुरू किया गया था पाँचवें पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा पाँचवें पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित विकास दर रखा गया था वो 4.4% रखा गया था और वास्तविक विकास दर जो थी वो 4.8% थी, यानी कि यह योजना पूर्णतः सफल रही थी। इसके अलावा वर्ष 1978 में ही जो नई सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार, उसने इस योजना को खारिज कर दिया और इसके बाद रोलिंग प्लान लाया गया सन 1978 से 1980 तक। तो इस समय क्या था कि देश में अस्थिरता का दौर था, जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी को फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था, ठीक है। तो रोलिंग प्लान की अगर हम बात करें तो ऐसे योजना से होता है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन जो है वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। इसके परिणामस्वरूप पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष। मतलब रोलिंग प्लान में ये होता है कि प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और प्रत्येक वर्ष इसका आकलन किया जाता है। ये हुआ था सन 1978 से 1980 के मध्य पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। यानी कि अगर सवाल ये आता है कि रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाए गए थे, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाए गए थे, जिसका कार्यकाल 1974 से 1978 था। अब आगे बात करें छठी पंचवर्षीय योजना की, जो 1980 से 1985 तक चलता है, तो इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। मतलब इस समय थोड़ी बहुत उदारीकरण की बात चलने लगी थी। इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजना को नेहरू समाजवाद के अंत के रूप में देखा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि NABARD यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। तो सवाल ये भी आता है कि जो NABARD बैंक है इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। इसके अलावा NABARD की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई, तो वो शिवरमन समिति थी, यानी कि शिवरमन समिति की अनुशंसा पर NABARD की स्थापना सन 1982 में की गई। इसके अलावा जो छठी पंचवर्षीय योजना था इसका जो लक्षित विकास दर रखा गया था वो 5.2% था और जो वास्तविक विकास दर थी वो 5.7% था। इसका मतलब ये हुआ कि यह पंचवर्षीय योजना सफल थी।
और आगे बढ़ें, सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जिसका जो समय था सन 1985 से 1990 तक था, तो यह योजना जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान इस समय प्रस्तुत की गई थी और इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। इसके अलावा इसके अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार का सृजन करना शामिल था। और जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसके परिणाम ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया था, है ना? क्योंकि जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वो सफल गया था, तो इसने सातवें को थोड़ी सी मजबूती प्रदान की। इसके अलावा जो सातवीं पंचवर्षीय योजना था, इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रम और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, ठीक है? और बहुत सारे गरीबी विरोधी जो कार्यक्रम थे इस समय चलाए गए थे। इसके अलावा सातवीं पंचवर्षीय योजना ने वर्ष 2000 यानी कि सन 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया था और सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 5.0% थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो थी वो 6.01% रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी वो पूर्णतः सफल रही थी। इसके बाद इस आठवीं पंचवर्षीय योजना को शुरू करने से पहले 1990 में इसे शुरू नहीं किया गया, बल्कि इसके जगह पर वार्षिक योजनाएं लाई गई, है ना? और 1990 91 91 92 और को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। इसका कारण ये था कि देश में उस समय काफ़ी वित्तीय अस्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था और उस समय थे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव। उनके नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में LPG लाया गया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि LPG की शुरुआत की गई थी ये वार्षिक योजनाओं के तहत, है ना? अब आठवीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें जो कि 1992 से सन 1997 तक चलता है, और जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है यह JW मूलर मॉडल पर आधारित था और आठवीं पंचवर्षीय योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। इसके अलावा 1 जनवरी 1995 को भारत जो है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना और आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था उसमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का यानी कि टूरिज्म का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा आठवीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया गया और इसी समय 72वां और 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। और जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्षित वृद्धि दर जो था 5.6% था, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही, यानी कि काफ़ी हद तक यह योजना सफल रही थी। और नौवीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें जिसका की कार्य समय जो था 1997 से 2002 तक रहता है, तो इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया, यानी कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके अलावा इसने यानी कि नौवीं पंचवर्षीय योजना ने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों के लिए समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। मतलब इसी समय नौवीं पंचवर्षीय योजना के समय निजी क्षेत्र और शासकीय क्षेत्र मिलकर काम करने की शुरुआत की। इसके अलावा तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इसके अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना और देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। और जो योजना बनाया गया उसकी रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना, ताकि तीव्र विकास के लिए जो दुर्लभ संसाधन हैं उनका
कुशल उपयोग शामिल हो, ये इसका एक लक्ष्य था। इसके अलावा 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो लक्षित विकास दर रखी गई थी वो 7.1% अनुमानित की गई थी, लेकिन इसकी जो वास्तविक विकास दर थी वो 6.8% थी। तो ये कहा से जा सकता है कि लगभग पूर्णतः सफल नहीं था, लेकिन काफ़ी हद तक यह योजना सफल था। अब बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना की, जो 2002 से 2007 तक चलता है, और इस योजना की विशेषताओं में समावेशी एवं समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था, और इसने प्रतिवर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा। और 10वें पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था या उद्देश्य था, गरीबों को 50% तक, मतलब गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो क्षेत्रीय असमानताएं थी उनको कम करना था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना ने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया, ठीक है। और जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका लक्षित विकास दर 8.1% था, जबकि जो वास्तविक वृद्धि दर थी, जो वास्तविक विकास दर थी वो 7.6% थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जो 11वीं योजना पंचवर्षीय योजना है, यह उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IT संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के अपने उद्देश्य के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके अलावा अगर हम उदाहरण की बात करें तो सन 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया, जो वर्ष 2010 से लागू हुआ, और इसने 6 से 14 वर्ष की आयु की बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था इसका सबसे बड़ा जो प्रमुख उपलब्धि है शिक्षा का अधिकार है, जो कि 2009 में लाया गया और 2010 में लागू हुआ। यानी कि अगर ये सवाल पूछा जाता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, तो वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। और इसके विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो जो इसकी मुख्य विषय वस्तु थी वो तीव्र और अधिक समावेशी विकास था, और इसके अन्य उद्देश्यों में पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसकी रूपरेखा सी रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी, और 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया था। और जो लक्षित विकास दर था 11वीं पंचवर्षीय योजना का वो 9% था, और वास्तविक विकास दर जो प्राप्त हुई थी वो 8% थी। तो लगभग यह भी जो पंचवर्षीय योजना थी अंशतः, यानी कि कहें तो लगभग सफल माना गया। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, जो कि देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो इस योजना की जो विषय वस्तु थी तीव्र अधिक समावेशी और धारणी विकास थी, यानी कि फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ थी। इसके अलावा जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूती प्रदान करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। तो जो आजकल जो गांव में बहुत सारा जो चल रहा है बिजली, यानी कि हर गांव में लगभग जो बिजली अब पहुँच गई हैं, तो इसका श्रेय जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना को ही जाता है। और इसके अन्य उद्देश्यों में स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना और उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना रहा। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर को सृजित करना भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में के उद्देश्यों में शामिल था। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो लक्षित वृद्धि दर जो रखा गया था वो 9% रखा गया था, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी। यानी कि इसका जो विकास दर लक्षित किया गया था 9%, इसे कम करके 8% कर दिया गया था। तो ये था साथियों बिहार SSC 2023 एग्ज़ाम के लिए जनरल स्टडीज़ या समान अध्ययन खंड के तहत जो पंचवर्षीय योजना है उन पर आधारित महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपके काम आया हो। नमस्कार, बाकी अगले वीडियो में जय हिंद।